मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय लाहौर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संबंधी विचार पढ़ेंगे। उन्होंने स्वराज के बारे में क्या कहा, उनके स्वराज प्राप्ति के जो साधन हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्वराज प्राप्ति के जो उनके साधन थे उनमें स्वदेशी, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध, इन साधनों के बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो तिलक का जो स्वराज्य था उनके बारे में उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उनका यह मानना था कि जो स्वराज है वो एक ईश्वरीय गुण है और विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र का नाश कर देता है, राष्ट्र की आत्मा को ही समाप्त कर देता है। इसलिए उनका ये मानना था कि विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हमें अपना पूरा दम लगा देना चाहिए। स्वराज से उनका जो वास्तविक आशय था वो था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा था कि जो भारत की रियासत है उनमें भले ही भारतीय शासन शासक विराजमान है लेकिन फिर भी वहाँ स्वराज नहीं है, क्योंकि वहाँ अंतिम सत्ता जनता के हाथ में नहीं है। इसलिए उनका ये मानना था कि अंतिम सत्ता जो है जनता के हाथ में होनी चाहिए, वही सच्चा स्वराज है। उनका जो स्वराज था वो एक विचार मात्र नहीं था बल्कि स्वराज उनका धर्म था, स्वराज उनका जीवन था, उनके लिए सर्वस्व था। तो तिलक जो है स्वराज के बारे में ये मानते थे कि स्वराज ही जो है समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार है, स्वराज के द्वारा ही हमारी प्रगति हो सकती है। स्वराज के बिना ना हमारी कोई प्रगति हो सकती है, ना हम आगे बढ़ सकते हैं, ना हमें राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इसलिए उनका ये मानना था कि एक बार राजनीतिक सत्ता यदि भारतीय हाथों में आ जाए तो हम हमारी सभी समस्याओं का जो है समाधान कर लेंगे। स्वराज हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, इसलिए हमें स्वराज प्राप्त होना ही चाहिए। उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं जिस स्वराज की मांग कर रहा हूँ वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, वो किसी जातु विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो तो हमारी सारी समस्याओं को हल करने के लिए एक औषधि है, है ना। वो उनका ये मानना था कि जब हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी तो हम हमारी सभी समस्याओं का, चाहे वो हिंदुओं की समस्या हो, मुसलमानों की समस्या हो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने की समस्या हो, या किसी जातीय समस्या हो, या किसी भी प्रकार की कोई अशिक्षा की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम सब सभी समस्याओं का समाधान जो है स्वराज के माध्यम से कर लेंगे। इसलिए हमें पहले स्वराज प्राप्त होना चाहिए, और उनका जो स्वराज था वो राष्ट्र के कल्याण के लिए था, न कि किसी वर्ग विशेष के लिए, सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए उनको स्वराज प्राप्ति चाहते थे वो, न कि किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए, न कि किसी जाति विशेष के कल्याण के लिए। उनका ये स्पष्ट मानना था कि हमारी जितनी भी समस्या है उनको हम आपस में मिल बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन हमारी जो सबसे प्रमुख आवश्यकता है, जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है स्वराज, हमें स्वराज प्राप्त होना चाहिए। और तिलक ने जो है स्वराज के लिए पूरी तरह से पूर्ण अपने जीवन में त्याग और समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ में जो है कार्य किया कि हमें जो है स्वराज प्राप्त होने चाहिए। इस स्वराज प्राप्ति के पीछे जो उनका मूल उद्देश्य था या मूल जो भावनाएं उनकी जो विकसित हुई वो ये थी कि वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में जैसे
कोई विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजों के न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी भी साम्राज्यवादी देश ने शासित देश के हित में शासन किया हो, अपनी मर्जी से उसको शासन सत्ता में भाग लेने का अधिकार दिया हो। ऐसा कहीं भी किसी भी देश का इतिहास में कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकता। उनका ये स्पष्ट मानना था कि जो साम्राज्यवादी है उसका उद्देश्य होता है संबंधित राष्ट्र का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, जो गुलाम राष्ट्र है उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करना उसका मूल उद्देश्य होता है, न कि उसका भला करना। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उदारवादी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं है। उनका ये मानना था कि संवैधानिक पद्धति, संवैधानिक साधन जहाँ सफल हो सकते हैं वहाँ जो कोई संविधान हो और वो संविधान जो है शासन, संविधान के माध्यम से शासन सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी हो। भारत जैसे देश में तो ये ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत जैसा देश में जिस प्रकार से अंग्रेजों का जो शासन किया जा रहा है उनका दंड विधान ही संविधान है, इसलिए वहाँ पे अनुनय विनय की कोई से कोई सफलता मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ संवैधानिक पद्धति अपना करके कोई सफलता प्राप्त की जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उनका मानना था कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से जो है भारत में स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनके उनके जो सरकार के प्रति जो रवैया था वो काफ़ी उग्र था। अब स्वराज प्राप्ति के साधन के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि स्वदेशी का नारा दिया, उन्होंने बहिष्कार का नारा दिया, उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का नारा दिया, तो स्वदेशी और उन्होंने कहा कि स्वराज की प्राप्ति हमें तब हो सकती है जब हम स्वदेशी को अपनाएं। उन्होंने केसरी में एक लिखा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखा है। अन्य जो पहले के जो उदारवादी विचारक थे वो ये चाहते थे कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन विदेशी का बहिष्कार के प्रति वो मौन थे, विदेशी बहिष्कार के प्रति वो चुप थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का ये स्पष्ट मत था कि हमें स्वदेशी अपनानी है और विदेशी का बहिष्कार करना ही है, विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। ये उनका ये मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के पूरक हैं। उनका ये मानना था कि हमारे उद्योगों को जो है संरक्षण की नीति के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने जो स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई है उसमें तो हमारे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, इसलिए हमारे उद्योग धंधों को स्वतंत्र व्यापार की नीति के माध्यम से पतन की ओर ढकेला जा रहा है, इनको हम बचा सकते हैं, हम तभी बचा सकते हैं जब हम विदेशी माल का बहिष्कार करें और स्वदेशी का प्रयोग करें, तो अपने आप हमारे देश के उद्योग धंधों को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को एक आर्थिक साधन के रूप में इस्तेमाल किया और उनका ये मानना था कि हमारे जो है स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। और इस बहिष्कार में का उन्होंने एक राजनीतिक रूप भी दिया और वो था एक तरह से निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब कुल मिला के ये था कि उनका ये मानना था कि विदेशी माल का ही बहिष्कार नहीं, विदेशी शासन का भी बहिष्कार करना चाहिए। इसके माध्यम से उनको उन्होंने ये कहा कि हमें विदेशी शासन की नौकरियां छोड़ देनी चाहिए, उनकी कोई उपाधियां हो, उनके सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए, उनकी उपाधियां छोड़ देनी चाहिए, उनके अदालतों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको टैक्स नहीं देना चाहिए। इस तरह की जो बातें थी वो थी, इसके माध्यम से हम जो है निष्क्रिय प्रतिरोध की एक स्थिति अपना कर और उसका ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है तिलक स्वराज की स्थिति अपनाना चाहते थे और इस स्वराज की स्थिति को अपनाने के लिए उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध का एक ये साधन भी उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है इनका उपयोग करके, प्रयोग करके हम जो है स्वदेशी प्राप्त करने की और दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
स्वराज प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, स्वदेशी का प्रयोग करते हुए हम स्वराज प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।